नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एकेबी मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम तेलुगु सिनेमा के 10 सबसे महंगे सुपरस्टार के बारे में और आपको बताएंगे दोस्तों सबसे ज़्यादा फीस किस सुपरस्टार की है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि आपका फेवरेट सुपरस्टार कौन है। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें नंबर 10 की, तो दोस्तों नंबर 10 पर है यानी कि विजय देवरकोंडा। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में विजय देवरकोंडा की फैन फॉलोइंग दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, जिसके चलते उनकी फीस भी टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट में आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें विजय देवरकोंडा अभी तक एक फिल्म में काम करने का चार्ज करते हैं 10 से 15 करोड़ रुपए। लेकिन दोस्तों बताना चाहूंगा, बहुत ही जल्द विजय देवरकोंडा की एक पैन इंडिया फिल्म आने वाली है, जिस फिल्म का नाम है फाइटर। और जब दोस्तों वो फिल्म रिलीज हो जाएगी, उसके बाद विजय देवरकोंडा के फैन फॉलोइंग नॉर्थ इंडिया में भी बढ़ जाएगी, जिसके बाद उनके फीस भी शायद बढ़ सकती है। वही दोस्तों बात करें नंबर 9 की, तो नंबर 9 पर है एनर्जी के स्टार यानी कि राम पोथिनेनी। जी हां दोस्तों, राम पोथिनेनी की फिल्में भी आजकल बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर होती जा रही है और उनकी लास्ट रिलीज फिल्म स्मार्ट शंकर ने तो बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड भी तोड़ दिए थे। आपको बता दें दोस्तों, आज के समय में राम पोथिनेनी को हिट फिल्म की गारंटी माना जाता है। बात की जाए के फीस के बारे में, तो दोस्तों राम पोथिनेनी को एक फिल्म में काम करने की फीस मिलती है 10 से 15 करोड़ रुपए। वही दोस्तों बात करें नंबर 8 की, तो नंबर 8 पर है सदाबहार एक्टर वेंकटेश जी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें वेंकटेश, जिसने बॉलीवुड के भी कई फिल्मों में काम किया है और टॉलीवुड में भी इनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है। दोस्तों आपको बता दें, इनकी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा बिजनेस करने में कामयाब हो रही है। अगर बात करें वेंकटेश सर की फीस के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें वेंकटेश सर एक फिल्म में काम करने का चार्ज करते हैं 12 से 15 करोड़ रुपए। वही दोस्तों बात करें नंबर 7 की, तो नंबर 7 पर है स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन। जी हां दोस्तों, स्टाइल का बाप और बॉक्स ऑफिस का किंग अल्लू अर्जुन, जो कि पिछले कुछ समय से बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल तो नहीं कर पाए थे, लेकिन दोस्तों उनकी लास्ट रिलीज फिल्म आला वेकुंटा पुरमोलो, जो कि बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई करके ब्लॉकबस्टर हिट साबित हो चुकी थी। आपको बता दें दोस्तों, आला वेकुंटा पुरमोलो के पहले उनकी एक फिल्म में काम करने की फीस थी 20 से 25 करोड़ रुपए, लेकिन दोस्तों अब उनकी फीस बढ़ने की पूरी उम्मीद है। वही दोस्तों बात करें नंबर 6 की, तो नंबर 6 पर है मेगा पावर स्टार रामचरण। जी हां दोस्तों, रामचरण जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया है और उनकी सभी फिल्में लगभग बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर रही है। आपको बता दें दोस्तों, रामचरण एक फिल्म में काम करने का चार्ज करते हैं 25 से 30 करोड़ रुपए। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, रामचरण की भी अपकमिंग फिल्म ट्रिपल आर, जो कि पेन इंडिया रिलीज फिल्म है, और इस फिल्म के रिलीज होने के बाद रामचरण की फीस में बढ़ोतरी होने की और भी ज्यादा उम्मीद है। तो बात करें नंबर 5 की, तो नंबर 5 पर है एंग टाइगर एनटीआर यानी कि नंदमुरी तारक रामाराव। दोस्तों तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर, जिनकी फिल्में तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर तो कमाल करती है, साथ ही साथ इनकी फिल्में हिंदी डब में भी धूम मचाती है। बता दो दोस्तों, इनके शानदार एक्शन और बढ़िया डायलॉग बाजी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है और इनकी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर होती है सुपर डुपर हिट। अगर बात करें जूनियर एनटीआर की फीस के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें, जूनियर एनटीआर एक फिल्म में काम करने की फीस लेते हैं 25 से 30 करोड़ रुपए। वही दोस्तों बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 पर है तेलुगु सुपरस्टार यानी कि महेश बाबू सर। जी हां दोस्तों, महेश बाबू एक ऐसा चेहरा जिनके नाम से ही फिल्म सुपर हिट हो जाती है और इनकी फिल्में फैमिली ऑडियंस को सबसे ज्यादा पसंद आती है। आपको बता दें दोस्तों, महेश बाबू की लास्ट 3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित रही है। उसमें है महर्षि, श्रेलारू, नेक्के वारू, इसके अलावा जितने भी फिल्में उनकी पिछली है, सभी की सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सक्सेस रही। अगर बात करें सुपरस्टार महेश बाबू की फीस के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें, महेश बाबू एक फिल्म में काम करने का चार्ज करते हैं 30 से 35 करोड़ रुपए। वही दोस्तों बात करें नंबर 3 की, तो नंबर 3 पर है पावर स्टार पवन कल्याण। जी हां दोस्तों, तेलुगु इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जिनके नाम से ही थिएटर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि दोस्तों जब भी पवन कल्याण की फिल्म रिलीज होती है, तो यह समझ लीजिए कि फिल्म 24 घंटे तक थिएटर में चलती है, उसके बाद भी इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हाउसफुल साबित रहती है। आपको बता दें दोस्तों, पवन कल्याण ने पिछले कुछ समय से फिल्में नहीं बनाई, क्योंकि पिछले कुछ समय से वो राजनीति में चले गए थे, लेकिन बहुत ही जल्द उनकी एक फिल्म आने वाली है, जो कि बॉलीवुड की फिल्म पिंक का ऑफिशियल रीमेक है। अगर बात करें पवन कल्याण सर की फीस के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें, पवन कल्याण भी एक फिल्म में काम करने का चार्ज करते हैं
30 से 35 करोड़ रुपए। वही दोस्तों बात करें नंबर दो की, तो नंबर दो पर है चिरंजीवी सर। जी हाँ दोस्तों, मेगा स्टार चिरंजीवी सर जो कि टॉलीवुड इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा चेहरा है, मतलब कि उनसे बड़ा सुपरस्टार तेलुगु इंडस्ट्री में शायद ही कोई रहा हो। जिस तरह से तमिल इंडस्ट्री में रजनीकांत है और बॉलीवुड इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन है, उसी तरह तेलुगु इंडस्ट्री में चिरंजीवी सर की रिस्पेक्ट और इतनी इज्जत है। अगर बात करें चिरंजीवी सर की फीस के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें मेगा स्टार चिरंजीवी सर एक फिल्म में काम करने का चार्ज करते हैं 35 से 40 करोड़ रुपए। वही दोस्तों बात करें नंबर वन के, तो नंबर वन पे जगह बनाई है रेबल स्टार प्रभास ने। जी हाँ दोस्तों, कुछ सालों पहले प्रभास की फीस काफी कम थी, लेकिन फिर उनकी लाइफ में एक फिल्म आती है जिसका नाम है बाहुबली। जी हाँ दोस्तों, बाहुबली में प्रभास ने 5 साल तक लगातार मेहनत की और 5 साल की मेहनत का फल भी उन्हें मिला, क्योंकि उनकी फिल्म बाहुबली पूरे दुनिया में बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित रही। और बाहुबली के बाद प्रभास सिर्फ साउथ के ही सुपरस्टार नहीं, हिंदी ऑडियंस के बीच में भी बड़ी जगह बनाने में कामयाब हो चुके थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आज के समय में प्रभास इकलौते ऐसे सुपरस्टार है जिनके फैन फॉलोइंग पूरे इंडिया में है, मतलब कि आप नॉर्थ में जाओ, साउथ में जाओ, सभी दूर प्रभास के चाहने वाले आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों यही कारण है कि आज के समय में प्रभास टॉलीवुड में सबसे ज्यादा फीस लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बाहुबली 2 में तो उन्हें ज्यादा फीस नहीं मिली थी, लेकिन साहो में काम करने के लिए उन्हें काफी ज्यादा फीस दी गई थी। और उनके आने वाली जो फिल्म है जिसका नाम शायद जानू है, उस फिल्म के लिए भी उन्हें काफी भारी भरकम फीस मिली है। अगर बात करें प्रभास के फीस के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें अभी तक की रिपोर्ट्स के हिसाब से प्रभास अपनी एक फिल्म में काम करने का चार्ज करते हैं लगभग 80 करोड़ रुपए, जो कि सबसे ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, प्रभास कम से कम 80 करोड़ रुपए एक फिल्म में काम करने के लिए लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, प्रभास की फीस आगे भी बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि आने वाले समय में उनकी जो पॉपुलैरिटी है और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। वैसे दोस्तों, आपका तेलुगु सिनेमा में सबसे फेवरेट एक्टर कौन है? प्रभास, चिरंजीवी, पवन कल्याण, महेश बाबू, NTR, रामचरण, अल्लू अर्जुन, वेंकटेश, राम पोथी नैनी या फिर विजय देवरकोंडा? अपने फेवरेट स्टार का नाम हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड और साउथ की हर एक बड़ी खबर के लिए मेरे और आपके इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।